उदासी क्यों ए जाने यू हर कदम पे गर्दिशे हैं अगर भागे तो दुख जागे आबशारे जैसे रो रही हूँ बेसदायूं हुई धड़कने भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी जिसको मैंने बांधा था कदमों से जाती हूँ मैं किसी को आवाज दूँ? चिल्ला क्यों रही है मेरी जान? जा रहा हूँ ना, आऊँगा शाम को अम्मा को मिलने और वो जो बाकी के राज हैं, उनसे पर्दा भी उठ जाएगा। तुम फिलहाल नूरी को एनेक्सी तक महदूद कर दो। मगर वो बाजी। बस। तुम मुझे बाजी कहती हो और तुम्हारी बेटी आंटी, हालांकि ना मैं तुम्हारी बाजी हूँ और ना नूरी की आंटी। बेगम साहबा ज्यादा मुनासिब रहेगा और अब नूरी को उसकी जगह बताना तुम्हारा फर्ज है। अंकल आपकी कॉफी। ओह थैंक यू थैंक यू। बैठो नूरी। बताओ क्या हो रहा है आजकल? अंकल बस एग्जाम्स करीब है तो सारा टाइम स्टडीज पे ही निकल जाता है। बात बिल्कुल सही है कि अच्छे स्प्रिंटर को अच्छा स्टूडेंट भी होना चाहिए ताकि लोग ये ना कहें कि उसने सारा वक्त खेल कूद में गुजार दिया। जी अंकल बिल्कुल ठीक है। एक कामयाब इंसान को हर एक की तरह 24 घंटे ही मिलते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है कि उसने अपने 24 घंटे किस तरह मैनेज करना। जी अंकल आप बेफिक्र हैं, मैं सब कुछ करूंगी। देखो जिस दिन तुम्हारा ख्वाब पूरा होगा ना उस दिन मैं समझूंगा कि मुझे दुनिया में सब कुछ मिल गया। तुम्हें फुली सपोर्ट करना मेरी ड्यूटी है। शुक्रिया अंकल। अच्छा ये बताओ कॉफी कैसी बनी? कॉफी स्ट्रॉन्ग अंकल। यस टू स्ट्रॉन्ग। क्यों मॉम, आखिर कोई वजह तो होगी। बेटा मैं आपको बाद में डिटेल्स बताऊंगी, बस आप किसी तरह भी जिद करें और तारिक को अपने घर बुला लीजिए। वो तो ठीक है मॉम, तारिक भाई आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन आप वजह तो बताएं। कह दिया ना बाद में बताऊंगी, जब तारिक आपके पास पहुंच जाएगा फिर। पता नहीं आप क्या कहते हैं उससे, इतनी तो आप इमोशनल हो, जरा जरा सी बात पर रिएक्ट करती हो। ओके मॉम मैं कल तारिक भाई को फोन करती हूँ। ठीक है खुश। और सुनो तुम्हारे बाबा को इस बात की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तारिक इस घर से दूर रहे। बस तुम यूँ समझो तुम्हारी माँ बहुत टेंस है और तुम उसकी हेल्प कर रही हो बेटा। जी मॉम। ओके मेरी जान, लव यू। नूरी
कितना खूबसूरत नाम है ना तुम्हारा। कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारा नाम मालूम किया है। जब तुम्हें बताऊंगा कि मैंने किस तरह से तुम्हारा नाम मालूम किया है तो बहुत हैरान होगी तुम। हैरान होकर और भी ज्यादा हसीन लगने लगोगी, है ना? तुम जैसे लड़के कभी किसी का दिल पता नहीं कर सकते। Excuse me. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. I'm sorry, आप मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। The great sprinter, हातिम अब्बासी। Am I right? Yes. सर, आपको कौन नहीं जानता है, मशहूर आदमी आप। और जो लोग स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं या स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं वो सब तो फैन हैं आपके, बड़े आदमी आप। Nice to meet you. Same here, sir. Sir, actually आपसे मिलना इसलिए चाह रहा था कि मेरा एक छोटा भाई है, he wants to be a sprinter. स्प्रिंटर बनना चाहता है वो। मेरी ख्वाहिश थी कि अगर आप जैसा अजीम कोच उसी कोचिंग करे तो क्या ही बात है। जी मैं बिजनेस करता हूँ और आपको पता है बिजनेसमैन के पास फुर्सत के कितने लम्हात होते हैं। सर अब ऐसे तो मत कहिए, मैंने खुद देखा है आप एक लड़की को प्रैक्टिस करवाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको अच्छा पे करेंगे, कुछ वक्त अगर हमें भी दे दें तो प्लीज। आप नूरी की बात कर रहे हैं? नूरी वो मेरे दोस्त हैं अब्बासी साहब, उनके मुझ पे बहुत ज्यादा एहसानात हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा तो मैं इनकार ना कर सका। वो ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन है। अच्छा, और मेरी कंपनी भी उसी ग्रुप में शामिल है। सही सही सही। सर फिर भी कोई गुंजाइश? सॉरी मिस्टर इमरान अशरफ। इमरान अशरफ, वेरी वेरी सॉरी, मैं नूरी के लिए जो वक्त निकालता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर, टेक केयर। नूरी, 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 यस। नूरी, नहीं 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 नहीं, मेरी जान मैं तो तुम्हें नूर कहूंगा। एक प्यार का नाम भी तो रखना होगा। मैं जानता हूं मुझे मिस कर रही हो तुम, याद कर रही हो, लेकिन क्या करूं क्या करूं। कुछ जालिम जालिम लोग मौत की तमन्ना करने लगे, लेकिन मुझे तो उन्हें अपनी आखिरी सांस तक जिंदा देखना है। उनसे निमट लूं फिर तुम्हारे पास आऊं। और कहां जाऊंगा, बस एक बार उनसे निमट लूं मैं। खुदा ने सुकून का ठिकाना दे दिया, सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं, लेकिन इस औलाद ने फिर मुझे आजमाइशों में डाल दिया। कभी सुबह जाए
मेरी समझ में ये नहीं आ रहा डैड, किसी में बुलाने पर इतना जोर क्यों दे रही है? तुम्हारी बहन है, एक साथ रहे हो तुम, यहाँ पर भी यूरोप में भी, तुम्हें मिस कर रही होगी। मिस तो मैं भी उसे बहुत करता हूँ, लड़ने के लिए कोई दूसरा मिलता जो नहीं है। तो मैं एक दफ़ा सिमी से मिलकर वापस आ जाओ तो हम तुम्हारी शादी कर देते हैं, फिर लड़ने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। और हाँ, इत्मीनान रखो, जब तुम अपनी बीवी के साथ हालत जंग में होगे ना, तो मैं तुम्हारी मम्मी को आउटिंग के लिए बाहर ले जाया करूँगा, ताकि तुम खूब उसके साथ लड़ो। और वैसे भी हमें रेफरी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओह कम ऑन डैड, ज़रूरी नहीं है आपकी दुनिया का हर कपल लड़े, यू नो जस्ट लाइक माई पेरेंट्स। अरे बेवकूफ़, जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो हम तुम्हारे बाहर जाने का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही तुम जाते हो हम शुरू हो जाते हैं। रियली? हाँ सच कह रहा हूँ, डरता थोड़ी हूँ। तो आप किसी से भी नहीं डरते। आंटी, तारिक का लंदन में कितने दिन का स्टे है? बेटा मैं तो कहती हूँ कि वो पूरे 2 महीने तक वहाँ रहे। 2 months? Oh God. क्यों? तुम क्यों परेशान हो रही हो? जो ही वो वापस आएगा हम तुम्हारी शादी कर देंगे उसके साथ। आंटी, शादी के लिए तारिक का एग्री होना भी तो जरूरी है। उसका तो बाप भी एग्री होगा बेटा जी। आंटी, शादी तो तारिक ने करनी है, अंकल की तो हो चुकी। सिली। बाय द वे आंटी, लोग अपनी हैसियत से बड़े बड़े ख्वाब क्यों देखते हैं? हमने सुना है कि ख्वाब हमेशा बेवकूफ लोग देखते हैं। बेवकूफ जो हुए। और बेटा, अपने से कम हैसियत वालों के साथ ना उलझना चाहिए और ना कोई झगड़ा करना चाहिए। मैंने तुम्हारी कंप्लेन करने के बाद बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया उन लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, नूरी हमारे इतने पुराने एम्प्लॉय है, और नौकर जब बहुत पुराने हो जाए तो फैमिली मेंबर जैसे हो जाते हैं। फैमिली मेंबर जैसा? फैमिली मेंबर तो नहीं बन जाता। ऑब्वियसली बेटा, यही मतलब है मेरा। अच्छा अब आप मुझसे प्रॉमिस करें, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। तारिक मेरा बेटा है, एंड आई नो हाउ टू हैंडल हिम। सो स्वीट, थैंक यू। तो मेरी प्यारी सी बेटी हो, है ना? तूने ऐसा क्या किया है बेटा जो बेगम साहिबा इतनी नाराज है तुम पर? अपनी बेगम साहिबा से खुद पूछो, वो ही तुम्हें बताएंगी कि मैंने चोरी की या डाका डाला है। बरसों के तल्लुक का लिहाज और शर्म है, वरना जरूर पूछती। मेरा तो खाना पीना जहर और सोना हराम होकर रह गया है। ऐसा क्या किया है तूने? अम्मा कोई बात हो तो बताओ ना तुम्हें। सुखरास ही नहीं है हमें, सोचा था खुदा ने सुकून का ठिकाना दे दिया, सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं, लेकिन इस औलाद ने फिर मुझे आजमाइशों में डाल दिया है। बाहर उन भेड़ियों का डर और अंदर मालकों का। अम्मा मुझे कोई डर नहीं है, डरता से वही जो झूठा होता है। देख नूरी, मैं तेरी माँ हूँ, और माँ का काम होता है औलाद के ऐबों पर पर्दा डालना। अगर तेरी जोया या तारिक में से किसी से भी कोई बात हुई है तो मुझे बताओ। ये तो मैं तारिक से पूछूंगी। आवाज बंद कर, खबरदार जो तारिक का नाम अपनी जुबान पर लाई तो। एक बार तो तारिक से जरूर बात करूंगी कि वो मेरी और मेरी माँ की क्यों बेइज्जती करवा रहा है। वो बेइज्जती करवा रहा है? दिमाग तो ठीक है तेरा? बिल्कुल ठीक है, अपने बेटे पे तो कंट्रोल है नहीं उन्हें, दूसरों की बेइज्जती कर रही है। तारिक, कहाँ जा रहे थे? नूरी बहुत दिन से दिखी नहीं, सुनाए ट्रेनिंग भी नहीं कर रही, देखना चाहता था कहीं बीमार तो नहीं है। उसकी माँ है ना उसकी फिक्र करने के लिए, आपको ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। कंसर्न तो होना पड़ेगा, मैंने बहुत मेहनत की है उस पर, ट्रेन किया है उसे, और खुद भी बहुत विलिंग थी वो कॉम्पिटिशन जीतने के लिए। इस तरह सब कुछ छोड़ के कैसे बैठ सकती है? एक बात बताओ मुझे, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है इससे? जाहिर है पड़ता है, हम सब बड़े इन्वॉल्व रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में।
बस बहुत हो चुकी। सबको अपना अपना काम करना चाहिए। ये जो इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है ना हमारी, मेरा मतलब है हम सब की, यही गलत थी। और तुम्हारे डैड उसकी हर चीज का ख्याल रख रहे हैं ना, और ये तुम्हारा स्टेटस भी नहीं है कि एनेक्सी में जाकर नौकरों का हाल चाल पूछते फिरो। मम्मी क्या हो गया? स्टॉप इट, चलो अपने काम निपटाओ। आओ चलो, आओ मेरे साथ, चलो वापस, चलो अंदर। हाय, आज तो बहुत ही थक गई हूँ भाई। थोड़ी मुश्किल से पैसे देते हैं लोग। आज भी पैसे मिल गए या फिर उन लोगों के बहाने सुनकर आ रही हैं आप? 12 कुर्तों का हिसाब किया, कह रहे थे कि बाकी कुर्तों का कल करेंगे। कितने पैसे हैं? 6,000 है। अम्मा इन पैसों से मुझे मोबाइल ला दो ना, मुझे बहुत शौक है। अब देखो ना, दिन रात मैं कुर्ते कढ़ाई करती हूँ और फिर सिलाई करती हूँ, बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ जाती है। तुझे कैसे पता मोबाइल का? हाँ, किससे सुना है तूने और किसने मत दी है तुझे मोबाइल लेने की, बता। अरे मोबाइल का तो मुझे नहीं पता था, वो तो जब से मैं शहर जाने लगी हूँ, इन दुकानदारों से चिक चिक करती हूँ ना, तो मुझे जाना पड़ता है, हर वक्त कान के साथ लगाए बैठे रहते हैं, तब पता चला है मोबाइल कोई चीज है मनहूस। अम्मा बड़ा मजा आता है, आप जिधर भी हो ना आपको आवाज आ जाती है। तुझे किसकी बातें सुननी है, बता बोल। किसी की नहीं, मोहल्ले में सबके पास मोबाइल। मोबाइल तो तेरे बाप ने नहीं लिया तो तू खरीदेगी, बड़ा महंगा आता है मोबाइल। अब हम इन पैसों से अपनी रोटी पूरी करें कि तुझे मोबाइल खरीद कर दें? 2,000 बचेगा, बाकी का मैंने वो धागा और कपड़ा सुइयां ये चीजें खरीदनी है, मुश्किल से 2,000 बचेंगे मेरे पास। अम्मा इसमें से 2,000 रुपया मुझे दे दो ना, मैं और पैसे जमा करके अब्बा से मोबाइल मंगवा लूंगी। पैसे जमा करके मैं तेरी शादी करूंगी, जब शादी हो जाए ना तो अपने घर वाले से कहना कि तुझे मोबाइल दे। घर वाला? मुझ जैसे लंगड़ी से कौन करेगा शादी? चल जा पानी का गिलास लेकर आ। ये नूरी कहाँ है भाई? कल तुमने उसे खाना बनाने से भी मना कर दिया था, वो कहीं ये तो नहीं समझ रही कि उसकी एंट्री तुमने बैन कर दी है? नूरी आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, सामने बैठी हुई बीवी का ख्याल भी नहीं आ रहा। कोई जरूरी बात करनी होगी उसने, कोई इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना होगा। क्या हो गया सीमा, तुम अपने आप को नूरी के साथ कंपेयर कर रही हो? मुझे तो वो आज भी एक बच्ची दिखाई देती है, वो एक जहीन और टैलेंटेड बच्ची है। ऐसे बच्चे कौम का सरमाया होते हैं। बस प्लीज फॉर गॉड्स सेक जावेद स्टॉप इट, हमने ठेका नहीं लिया हुआ पूरी कौम का। अरे नहीं लिया हुआ तो ले लेना चाहिए ना, टैलेंट कहीं भी हो उसे जाया करने वाला इखलाकी मुजरिम होता है। नेचर ने हर इंसान के जिम्मे कोई ना कोई काम लगाया हुआ है, ऐसे पानी का रास्ता नहीं काटना चाहिए। तुम मुनीर से कहो कि नूरी को बुला के लाए, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मुनीर को बुलाने की क्या जरूरत है, जाइए जाके एनेक्सी में उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त कराइए आप खुद। सीमा फॉर गॉड से, अगर उससे कोई गलती हो गई है तो उसे माफ कर दो, वो तुम्हारे बराबर के लिए कि तुम उससे बदले लो। यही बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ जावेद साहब, कि वो हमारे बराबर की नहीं है। जब से जोया घर में आई है तुम्हारी टोन चेंज हो गई है, नूरी तुम्हें खटकने लगी है। इससे पहले तुम उसका बड़ा ख्याल करती थी, बड़ी दोस्ती थी और तुमने कभी भी क्लास डिफरेंस की बात नहीं की थी। तो फिर आप इस बात पर गौर कीजिए कि ये चेंज क्यों आया है। मुनीर, मुनीर। जी साहब जी। नूरी को बुला के ला। अच्छा साहब जी। बेगम साहिबा कहती हैं कि हर शहर की अपनी एक जगह होती है,
और वो वही रहे तो अच्छा है। हमारी नूरी तो अचानक से इतनी बड़ी हो गई। बड़ों के साथ रहते रहते आपके अंदर मैच्योरिटी आ ही जाती है। कौन है ये बड़े बड़े लोग? वो बड़े लोग जो हमें हमारी जगह याद दिलाते। कभी सुबह चले कभी सुबह चले आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ, डोंट वरी। लेकिन आपके चेहरे को तो देख के लग रहा है जैसे कोई बात हुई है। बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। मैंने नूरी को यहाँ आने से मना किया था और तुम्हारे अंकल उसे यहाँ बुला रहे हैं। ये लड़की तो मुश्किल में डाल रही है मुझे। अंकल उसे क्यों बुला रहे हैं? वही कौम की अमानत। बड़ी फिक्र रहती है तुम्हारे अंकल को इस कौम के एसेट्स की। आंटी ये सब बातें तो पॉलिटिशियंस करते हैं, अंकल को क्या कंसर्न्स हैं? मेरी गलती है, मैंने रिहाना का काम देखकर उसे ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। मुझे क्या पता था उसकी बेटी मेरे गले पड़ जाएगी? सांप को दूध पिला रही हूँ मैं। आंटी आप रिलैक्स हो, सब ठीक हो जाएगी। नूरी, अरे भाई तुम कहाँ गायब हो? क्या अंकल को सलाम करने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। जी अंकल। देखो नूरी बेटा, मुझे असल में तुम्हारी फिक्र इसलिए हो रही है कि तुम्हारी प्रैक्टिस बिल्कुल स्टॉप हो गई। हालांकि मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था कि तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को भी जारी रखो। जी अंकल मैं कोशिश कर रही हूँ। तुमने वो क्लासिकल सिंगर के बारे में सुना कि वो सुबह उठ के रियाज करते हैं? देखो हालांकि रियाज ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको मौसीकी पर अबूर हासिल है। माय गॉड, ये अपनी नौकरानी से बातें कर रहे हैं। इसलिए कहता हूँ कि तुमको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। जी अंकल मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुम्हें हर सूरत टाइम निकालना होगा। कल आप हातिम साहब को कॉल करके बोल दीजिए कि अब मैं रेगुलर प्रैक्टिस करूंगी। गुड, वेरी गुड। देखो नूरी, जिस दिन तुम टाइटल जीत कर आओगे ना मेरे सामने तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे टाइटल मैंने जीता है। जी अंकल, अब मैं जाऊं? ओह यस, बट रिमेंबर वन थिंग, कमिटमेंट को जिंदगी मौत का सवाल बना लेते हैं ना तो मास्टरपीस क्रिएट होता है और ये कमिटमेंट अपने आप से होती है। अंकल इतने इन्वॉल्व्ड हैं, क्या है इस बेवकूफ सी लड़की में? मगर नहीं, ये बेवकूफ कहाँ है? ये तो बहुत चालाक है, इतने बड़े बिजनेसमैन को कैप्चर किया हुआ है इसने। माय गुडनेस। अच्छा तो तुम्हें अचानक से अब भाई की याद सताने लगी है, खैरियत तो है? भाई तो हर वक्त याद आता है। इनफैक्ट मैं आते ही सोच रही थी कि आप दोनों को अपने पास बुला लूं। पता है शाहजेब तो सुबह 10 बजे ऑफिस चले जाते, उसके बाद मैं पूरा दिन बोर होती हूँ। अपने हस्बैंड से भी पूछा है? उन्हें छोड़, वो मैं देख लूं। अरे उन्हीं को तो नहीं छोड़ना, चाहे पूरी दुनिया को छोड़ना पड़े। शाहजेब बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और पता है अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम बोर तो नहीं होती अकेले, बोर होती होगी ना? अब
नया बिजनेस है उनका, सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, कुछ दिन मुझे बेयर करना पड़ेगा। अच्छा अब सारी बातें बातें छोड़ें, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और, आप बस मुझे ये बताएं कि आप अपनी सीट कब बुक करवा रहे हैं, जल्दी से सीट बुक करवाएं और मुझे बताइए। अच्छा अरे कुछ तैयारी तो करना होगी ना, अब क्या ऐसे ही उठ के चल पड़ूं? हाँ चल पड़े। अच्छा ठीक है, तुम यही समझो कि चल पड़ा मैं। बाय। ओके बस इसीलिए मैंने ये डिसीजन ले लिया, वरना तुम जानती हो तारिक पहले ही इतने अरसे के बाद घर वापस आया, मैं तो एक पल भी उसके बगैर नहीं रह सकती, मजबूरी है, क्या करूं? आंटी आप तारिक को यूके भेज रही हैं। तो क्या करूं बेटा, उसका कुछ दिनों के लिए इस घर से दूर होना बहुत जरूरी है। तो मैं तो बिल्कुल बोर हो जाऊंगी, फिर मैं भी कराची जा रही हूँ। क्यों? मैं तुम्हारी वजह से तो सब कुछ कर रही हूँ, मेरी मुश्किल ये है कि मैं रेहाना और नूरी को फौरी तौर पर घर से जाने का नहीं कह सकती, तुम्हारे अंकल कभी नहीं मानेंगे। आंटी लेकिन आप तो तारिक को यूके भेज रही हैं, अंकल तो यहीं हैं और असल प्रॉब्लम तो अंकल की तरफ से है ना। तुम्हारे अंकल भी 10-15 दिन के लिए मॉरिशस जा रहे हैं, वहाँ किसी होटल के शेयर्स की बात चल रही है, वो चले जाते तो फिर तारिक को मुझे फेस करना पड़ता और इसीलिए मैं उसे पहले भिजवा रही हूँ यहाँ से। लेकिन अगर दोनों ही यहाँ से चले जाएंगे तो क्या होगा? फिर मैं आराम से रेहाना को बैठकर समझाऊंगी कि यहाँ करीब ही कहीं किराए का घर देख ले, मैं उसे सैलरी बढ़ाने का लालच भी दे दूंगी। आंटी उसके इतने नखरे उठाने की क्या जरूरत है, सीधी तरह उसे घर खाली करने का बोल दें, बता दें उन्हें कि उनकी नूरी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये लड़की ही ठीक नहीं है, आपके बेटे को फंसा रही है। नहीं कह सकती बेटा, तुम्हें पता नहीं है जावेद और तारिक कभी नहीं मानेंगे, दोनों बाप बेटा हर वक्त मुझे इंसानियत के डोज पिलाते रहते हैं, और अगर मैं रेहाना से ही कहूंगी ना कि वो नूरी को लेकर चली जाए, वो एक दिन में चली जाएगी, पर जावेद से कैसे निपटूंगी उसके बाद में? Oh God, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है इस एक फजूल सी लड़की की वजह से। खैर यू कैरी ऑन, आप जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं। मेरा भी यही ख्याल, वैसे आई एम ट्राइंग के किसी तरह ये मसला हल हो ही जाए, पर फिक्र बहुत है मुझे, यू नो तारिक कितना जिद्दी है। बिल्कुल लेकिन ठीक हो जाएगा। बात सुनो, मैं जा रहा हूं। तो जाए। सुनो बात तो सुनो। क्यों सुनूं मैं, मेरी क्या मजबूरी है? मेरी तो है। अरे प्लीज प्लीज यहां से चले जाए, आपकी मामा ने आपको मेरे साथ यहाँ खड़े में देख लिया ना, मेरी और मेरी माँ की शहमत आ जाएगी। मामा ने कुछ कहा है तुमसे? क्यों बताओ, मैं अपनी जगह पर आ गई। आंटी कहती है, नहीं बेगम साहिबा कहती है कि हर शहर की अपनी एक जगह होती है और वो वहीं रहे तो अच्छा है, वो शहर ठीक कहती है। आओ यार, तुम कितनी मैच्योर साउंड कर रही हो ये सारी बातें करते हुए। हमारी नूरी तो अचानक से इतनी बड़ी हो गई। बड़ों के साथ रहते रहते आपके अंदर मैच्योरिटी आ ही जाती है। कौन है ये बड़े बड़े लोग? बड़े बड़े नहीं सिर्फ बड़े। चलो बड़े ही सही, पर है कौन जिनके साथ तुमने उठना बैठना शुरू कर दिया है? वो बड़े लोग जो हमें हमारी जगह याद दिलाते। कभी सुबह चले कभी सुबह चले। मैं जा रहा हूं।
خدا حافظ کیا نیاد. بہت تنگ کیا نا تمہیں میں نے. یاد رکھنا تنگ کرنے والے یاد بہت آتے ہیں. خدا پد گر گ ساری نی گر سنی سنی دپم پد سنی دپم پگر رے گم پد پد نی دن سائن سر سر گار گم گپ مگر سنی س. Aye.